हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मैं आज आप लोगों की वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ 11 के बारे में पूरी डिटेल्स। ये अभी रिसेंटली आई है और मैं आपके सामने विंडोज़ 11 को इसके फीचर्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये तो हो गया इसका टास्क बार और इसकी मैं पूरी डिटेल्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। आप जस्ट थोड़ा थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ये वीडियो चल रही है अपना बैकग्राउंड में, तो पूरी डिटेल्स दिखानी पड़ेंगी आपको। अब चलो अपने आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का स्टार्टअप होगा, मतलब विंडो का सही आ रहा है, जैसे आप वो खुलती हैं आवाज़ करके इसी तरह ही खुलेगी। अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ उसके फीचर्स के बारे में। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब आप जैसे अपने इसमें वो सारे ऐप मतलब ऐप्स की तरह मिलेंगे आपको, इसमें सर्च कर सकते हो आप इसमें कोई भी ऐप मतलब जो इंस्टॉल्ड हो। सेटिंग जो होती है वो फ़ोन की तरह होगी इसकी, ओके। और जो मैं आगे बात करूँ इसकी, इसमें थीम्स मिलेंगी आपको बहुत सारी, आप देख सकते अपने पसंद से डाउनलोड कर सकते हो और थीम जो चाहो आप। और इसमें जो आपको ले लो जो कहते हैं इस तरीके के चार वो मिलेंगे आपको, मल्टी ऐप चला सकते हो एक साइड एक साथ ही, चाहो तो डिस्प्ले कर सकते हो अदर स्क्रीन पर, या दूसरा टीवी हो या पीछे जो आप कर सकते हो, ठीक। और मैं आपको आगे बात करूँ, मतलब आप जो मीटिंग्स जो वो ज्वाइन कर सकते हो इससे बहुत इजीली, मतलब इसमें माइक्रोसॉफ्ट की जो MS Teams वगैरह जो सब इंस्टॉल्ड आएंगे प्री इंस्टॉल्ड, इसमें आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। और जो आगे बात करूँ आपको, मतलब जो विडजेट्स जो होते हैं फ़ोन में वो मिलेंगे इसमें भी, होम स्क्रीन के लिए, टेम्परेचर हो गया या कोई फोटो वगैरह जो भी आप चाहो वो कर सकते हो आप इसमें। सही हो गया, ठीक। और मैं आगे बात करूँ, अब मैं आपको टाइपिंग की बात करूँ, जैसे आप इसमें बोल के लिख के बहुत तरीके से टाइप कर सकते हो, और स्लाइडिंग वाला भी जो उंगली से करते हैं वो टच स्क्रीन अगर आपका PC हो तो कर सकते हो, ठीक। ऐसे इस टाइप से आगे मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ इसकी, मतलब अब मतलब टास्क को तो स्विच करके बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हो आप, देख सकते हो अपने फ़ोन में रिसेंट वाले होते हैं कि क्रोम चल रहा है वो इस तरीके से, उसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको जो कलर्स हैं और ग्राफिक्स हैं वो बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं इस विंडो के अंदर, क्योंकि आपको लाइव सा लगेगा, मतलब गेम प्ले जो आप खेलोगे जो भी गेम इसमें, ठीक। और जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो आएगा, मतलब इसके अंदर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक, मतलब डाउनलोड कर सकते हो जैसे अपने अपने फ़ोन में करते हो, ठीक। और ये जो है अपनी सब सारी ब्रांड्स को सपोर्ट करेगा, आप देख सकते हो अदर ब्रांड्स को सपोर्ट करेगा, बस इसके कुछ मतलब अजम्पशन है मैं आगे बताऊँगा। और चलो अभी थोड़ी सी और फीचर्स की बात करते हैं इसकी। और एक ख़ास चीज़ और अगर जो आपके इसमें मिलेगा आपको Amazon स्टोर, ठीक, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे कि आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन। बट एक दिक्कत ये है, आप एक्सटर्नली डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं किसी से ले सकते, समझ गए। जैसे आप CD या पेन ड्राइव में ले आते हो कहीं वो डाउनलोड करना, ऐसे नहीं होगा इसमें, इस आपको इसी से डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसे प्ले स्टोर से करते हैं, शायद बाद में हो जाए। अगर आपको कोई भी फर्दर डिटेल जाननी हो इसकी तो आपको मैं वेबसाइट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर पूरी डिटेल्स देख लेना अपने हिसाब से, जो जो आपको देखनी हो क्या क्या रिक्वायरमेंट जो। और मैं अब आपके सामने इसकी रिक्वायरमेंट की बात करूं, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, तो चलो मैं बात करता हूं। मतलब कि अगर इस विंडो को आपको अपने PC में इंस्टॉल करना है तो आपको क्या चाहिए आपके मतलब PC के अंदर होना चाहिए, तो आप देख सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारी रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, ये आप पढ़ लेना, आप मतलब अपने उसमें चेक कर लेना ये है कि नहीं। आप देख सकते हो अपने मतलब प्रॉपर्टीज़ में जाके जो PC की या लैपटॉप की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें दिख जाता है सारी डिटेल्स आपको, अपने सिस्टम के देख सकते हो, प्रोसेसर देखना हो आपको या फिर ये जो डिस्प्ले क्वालिटी या सब कुछ मिल जाएगा आपको अपने PC में, देख लेना इंस्टॉल करने से पहले एक बार, बाद में दिक्कत आए आपको, ठीक। और गैस अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मैं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो विंडो 11 के बारे में जान पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।